वो पॉइंट है मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन के हवाले से uh, इसी एक्सचेंज में जो एक्सचेंज कोर्ट में हुआ एंड इवन इन द रिप्लाई सबमिटेड बाय द ऑफ मेडिकल सर्जन जनरल ऐसे लगा कि दैक ऑफ इमेजिनेशन कि उनके हिसाब से सिर्फ

A certain sort of dye can be used to identify injuries. It doesn't have to be invasive. The testing does not have to be invasive. So, I think, in one way, what this judgment is also doing is sort of pushing forensic science to think beyond the traditional understanding of the modes that can be established or used in, in, in this, these kind of cases. Jo consent it's very important, court clearly कि की कंसेंट मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन के लिए अलग ली जानी चाहिए और उन्होंने एक्चुअली जो जो सबमिट भी किए गए गवर्नर ऑफ पंजाब ने जो सबमिट किए कोर्ट के सामने उनका भी जायजा लिया और कहा कि यहाँ पे जो प्रोविजन दी गई गई है कंसेंट की इट्स नॉट क्लियर इनफ इट शुड प्रोवाइड सेपरेटली दिस इज कंसेंट फॉर द मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन

औरत की अनाटमी या या उसके जेनिटल एरियाज़ की अनाटमी को देखते हुए जो उसकी कंडीशन है देखते हुए आप प्रज्यूम नहीं कर सकते कि कंसेंट थी या नहीं थी और इसी चीज़ को मैं समझती हूँ 2020 ट्वेंटी ऑर्डिनेंस ने काफ़ी डेवलप किया है अगर इजाजत दें मैं छोटी बात करूंगी इस पर um, उस 2020 ट्वेंटी में ये प्रोवाइड कर दिया गया कि कंसेंट हैज़ टू तो बी इंफॉर्म्ड it has to be informed the ordinance says that also the ordinance says that where the victim is under the influence of any substances such that that he or she is unable to consent the law will presume that there was no consent it or the ordinance the that absence of resistance or evidence of resistance is not significant it does not mean that the victim did not consent अगर हम कुछ साल पहले कुछ डेकेट पहले की जजमेंट्स भी देखें, यू नो रीसेंट जजमेंट्स भी देखें उसमें हवाला दिया जाता है नो मार्क्स ऑफ इंजरी नो एविडेंस ऑफ ऑफ रेजिस्टेंस एंड देन दैट इज अ रोल इन रीचिंग द कंक्लूजन दैट द विक्टिम हैव कंसेंटेड सो 2020 ऑर्डिनेंस कलरिफाइज कंप्लीटली That any absence of evidence of resistance is not significant in determining whether or not there was consent uh, to the sexual activity.